बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आँखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। जब बेटी घर में पैदा होती है तो उनका सर शर्म से झुक जाता है, बेटी को बोझ समझते हैं। जो लोग सिर्फ बेटा ही चाहते हैं उनकी सोच क्या होती है? अगर ये दुनिया में लड़कियों के आने के लिए रुकावटें पैदा करेंगे तो दुनिया ने चलना कैसे है? सूर्या, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है पहले, तुम मुझे पसंद हो इसलिए तो तुम मेरी दोस्त हो। अगर हेड जाया तो हिंदुस्तानी कपड़े, टेल जाया तो वेस्टर्न ड्रेसेस। टेल्स। अब देखिए आगे। जी, आप कितने छोटे लग रहे हो। वाओ ताई जी, ये तो आपके शादी से पहले की जींस है ना। पता है हमारे लंदन में सारे लोग ये बोलते हैं कि खुद को मेंटेन करना सीखना है ना तो शानी से सीखो। देखो एक इंच भी मैंने अपने आप को मोटा नहीं होने दिया है, शादी को पूरे 23 साल हो गए। पहनावा कोई बुरा नहीं होता है, बस उसे कैरी करना आना चाहिए। देख अभी ना मैं तेरे को चल के दिखाऊंगी, तू मुझे सच्ची सच्ची बताना कि मेरे चाल में कोई भी बेहुदापन दिखता है कि नहीं। ठीक है। क्या बात है भाई जी, आप तो बहुत ग्रेसफुल लग रहे हो। हाँ ताई जी, आपको जीन्स इतनी सूट करती है तो आप पहनते क्यों नहीं हो? हाँ नहीं पुत्र, शादी से पहले सब चलता है लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की सुननी पड़ती है ना। रुक, देख कुटी पुत्र, मैं तेरे लिए ना ये जीन्स और टॉप लेके आई हूँ, जा जाके चेंज कर ले। नहीं ताई जी अभी नहीं। लो कर लो बात, अब लगता है मैडम के लिए पंडित जी को बुलवा के मुहूर्त निकालना पड़ना है। हाँ पुत्र, यही उम्र होती है ना जिसमें एंजॉय कर सकते हैं, जो मर्जी हो पहन लो, जो मर्जी हो खा लो, है ना। फिर शादी के बाद तो बात दूसरी हो जाती है ना। चल अब शर्मा मत और जल्दी से इसे चेंज करके चल। चलो गुडी। हाँ हरी, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? चाची दरवाजा खोलो, मेरे को गुड्डी से काम है। अरे ताई जी आप क्यों डर रहे हो? वैसे भी बाऊजी और ताया जी तो घर में है नहीं, और जब घर के सारे लोग आपको देखेंगे ना तो बेहोश ही हो जाएंगे। हाँ ताई जी चलो ना, सबको सरप्राइज देते हैं। हाँ। चलो ठीक है। रुको पहले मैं जाती हूँ।
क्या हुआ वीर जी? बाहर आ जा। क्या है ये? अरे तेरे लिए बहुत बढ़िया जींस और टॉप लाया हूँ, ले। और तुम दोनों दांत क्यों दिखा रहे हो? अरे हरिवीर, शानी ताई जी मेरे लिए पहले से ही जींस टॉप ले आई है। ओए दो दो। चल कोई बात नहीं, तू जा मेरे कपड़े ट्राई कर, जा। नहीं वीर जी, अभी नहीं, अभी तो मैंने आपको एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? अरे गुल्लू, मिक्की, मम्मी जी, ताई जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। ओए क्या हुआ पुत्र? अब पेश है मेरा एक ऐसा सरप्राइज जिसे देख के ना आप सब हैरान रह जाओगे, सबने परेशान हो जाना है, सबकी सांसें ना थम जाएगी, सबकी आंखें ना पट्टी की पट्टी रह जानी है। अरे रनिंग कमेंट्री देती रहेगी कि एक्शन वैक्शन भी होगा? तू डिस्टर्ब मत कर, एक्शन। चाची, भरजाई जी। मम्मी। शानी। मम्मी, ये कैसे कपड़े पहने आपने? किवीर, मम्मी जी ना कोई गलत काम नहीं कर रही। मम्मी जी, आप ना बड़े सोने लग रहे हो। लग रही हूँ ना? मेरे एनुअल डे फंक्शन पे ना यही पहनना। ठीक है। चाची, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे शानी चाची हो। अच्छा, क्यों जेठानी जी और देवरानी जी? हाँ हाँ परजाई जी, आपकी तरफ से कोई स्पेशल कमेंट नहीं आया? अरे शानी, सच्ची तू तो एकदम कुड़ी लग रही है। लग रही हूँ ना? अरे कोई कहेगा कि ये दो बच्चों की माँ है? हाँ हाँ परजाई जी, बिल्कुल। अच्छा दलजीत, अब तू बता कि गुड्डी को अब तू वेस्टर्न ड्रेस पहनने देगी कि नहीं? गुड्डी? हाँ ठीक ही है। अच्छा तो ठीक है, जो जो लोग गुड्डी को जीन्स और टॉप में देखना चाहते हैं अपने अपने हाथ खड़े कर लो। ठीक है, जा गुड्डी पुत्र, वो जो मैं तेरे लिए जीन्स और टॉप लेके आई थी ना, जा वो पहन के आ, जा जा। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। चाची इसको मेरे लाए हुए कपड़े पहनने दो, एकदम लेटेस्ट हैं। ओ चुप कर, तेरे को क्या पता कुड़ियों के लेटेस्ट फैशन क्या होते हैं? तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं है? ओ मेरा गुड्डी पुत्र। बाऊजी, मैं तो मर गई, क्या करूं? उसको छुपा देते हैं, जल्दी आओ। ओ मेरा गुड्डी पुत्र, आ देख मैं तेरे लिए ना कितनी बढ़िया जींस और टॉप लेके आया हूँ, चल जरा पहन के दिखा। हंसने क्या बात है? ले पुत्र पहन के दिखा। ओए ओए, इसमें हंसने की क्या बात है? और तुम ना एक दूसरे के साथ चिपक के क्यों खड़े हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे जनरल बोगी में ना बंदे पे बंदा चढ़ाओ हैं? वो बाबूजी क्या है ना कि हरिवीर भी मेरे लिए एक जोड़ा ले आए हैं, शानी ताई जी भी ले आई हैं, और अब आप भी लेकर आ गए हो। शानी नजर नहीं आ रही। नाने 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 गई है, नाने गई है। बासी यार, वो एक बंदा भी बता देगा ना तो मुझे पता लग जाएगा कि वो नहाने गई है। बाबूजी आप वो छोड़ो ना, आप तो मुझे बताओ कि मैं किसके लाए कपड़े पहनूं? ओए मेरे लाए हुए कपड़े पहनना पुत्र, तुम लोग पीछे पीछे क्यों हट रहे हो हैं? क्या बाबूजी, आप भी कई बार इतनी कॉमेडी करते हो, हम तो वहीं जानते हैं।
अरे बाबूजी छोड़ो ना, इसको मेरे लाए हुए कपड़े पहनने दो ना प्लीज। हरगिज नहीं, गुड्डी मेरे लाए हुए कपड़े पहनेगी। क्या कर रहे हो यार, पीछे पीछे क्यों हट रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे? नहीं बाबूजी, गुड्डी ने काम कर, तू बाबूजी के लाए हुए कपड़े पहन ले, वो हरी और शानी चाची के बाद में पहन ले। स्टैचू अभी बताता हूँ पुत्र मैं तुम्हें। कमाल है, कोई पीछे है ही नहीं। कोई भी नहीं। ओवर। आप भी ना। बेलिया की यूं ही खड़े रहते हैं, हमारे को समझते ही नहीं हो आप तो। मेरी चाय रखी है। चाय बनी, मम्मी आओ चाय पिया। भाऊजी, इसी बात पे ना मैं आपको एक जोक सुनाऊं। सुना भाई, तूने सुनाया बगैर रहना थोड़ी है। एक बार एक आदमी ना एक दुकान पे अंडरवेयर खरीदने जाते हैं। वो दुकानदार से कहते हैं, भाई साहब मुझे 7 अंडरवेयर चाहिए। दुकानदार कहते हैं, नहीं भाई साहब 1 डजन खरीद लो, अंडरवेयर सस्ते। 1 डजन लेके क्या करूँगा, हफ्ते में तो दिन 7 ही होते हैं। एक दूसरा कस्टमर आता है, वो कहता है, भाई साहब मुझे 1 डजन अंडरवेयर चाहिए। दुकानदार ने पूछा, भाई साहब आपको 1 डजन अंडरवेयर क्यों चाहिए, हफ्ते में तो दिन 7 रहते। तो उस कस्टमर ने कहा, अबे ओए बेवकूफ, साल में महीने तो 12 होते हैं ना, मैं जनवरी में एक पहनूंगा, फरवरी में एक पहनूंगा, मार्च में एक पहनूंगा। मम्मी जी, बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। शानी, आज ना गुड्डी तो तेरे से भी ज्यादा सोनी लग रही है सच्ची। पर जाए जी, ए आप सरासर झूठ बोल रहे हो। हा? ओए, तुम लोग ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, जरा बताओ कैसी लग रही है मेरी गुड्डी? तेरे से ज्यादा सोनी लग रही है। हाँ हाँ पता है, तू तो अपनी बहन की साइड लेगा। गुड्डी, तेरे को जीन्स और टॉप सूट कर रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस फाइनल। तू सच बोल रहा है ना? गुड्डी तेरी कसम। पुत्र, ये फिटिंग तो तुझे एकदम ठीक आई है, वो इसे तो एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। बाबूजी, ये आपके लाए हुए कपड़े नहीं है, मैंने पूरे 2 घंटे लिए हैं ये जींस और टॉप सिलेक्ट करने के लिए। ओ नहीं नहीं बुत्ता, तुझे को भुलेखा लग रहा है, ये तो वही ड्रेस है जो मैं लेके आया हूँ। नहीं बाबूजी, ये मैं लाया हूँ। बाबूजी, भुलेखा आपको पहन रहा है, ये कपड़े तो मेरे लाए हुए हैं। हाँ। नहीं, ये मैं लाया हूँ चाची। यार तुम लोग ना सब मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। अरे पहले आप मेरी बात सुनो। आप तीनों को ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपके लाए कपड़े पहने हैं, पर आप तीनों ही सेम ड्रेस ले आए हो।
हाँ, और तीनों जींस के कलर भी सेम है और डिजाइन भी, और तीनों टॉप भी एक जैसे हैं। ये देखो, हो गया। पर एक बात जाहिर हो गई है कि हम सब की पसंद ना एक जैसी है और हम सब गुड्डी को ना उतना ही प्यार करते हैं। तो चलो, ये फाइनल रहा कि गुड्डी ने कॉलेज में जींस और टॉप ही पहनना है। हाँ बिल्कुल। गुड्डी ये कपड़े पहन के हरगिज कॉलेज नहीं जाएगी। गुड्डी बेटा, जाके ये बेहूदे कपड़े बदल के आ। जी पापा। सुखदेव, इन कपड़ों में क्या बुराई है? परजाई, जो कपड़े गुड्डी पहनती है उनमें क्या बुराई है? नहीं, वो कपड़े भी ठीक हैं, पर ये कपड़े भी अच्छे हैं। परजाई, आज तक जो कपड़े गुड्डी पहनती आई है, अगर वो पहनावा ठीक है तो आज उसे बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? ओ चाचू, अब उसने कॉलेज जाना है तो थोड़ा बहुत चेंज तो करना पड़ना है। हरी, हमारी गुड्डी का सबसे बड़ा गुण है उसकी सादगी। और ये किस डॉक्टर ने कहा है कि कॉलेज जाने के लिए उसे अपने पहनावे में तब्दीली लानी पड़नी है? एक्चुअली अंकल, हम जब जेडी कॉलेज अपना फॉर्म सबमिट करने गए थे, तब वहाँ पे दो लड़कों ने हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाया था। पूजा बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी दूसरे के कहने पे, उसके मजाक उड़ाने पे अपने जिंदगी के फैसले लोगे तो यकीनन वो गलती होने हैं। पे अगर तुम्हें पंजाबी सूट्स कंफर्टेबल हैं तो पंजाबी सूट्स ही पहनो ना। चाचू, इन्होंने अब कॉलेज जाना है और अगर ये कपड़े कॉलेज में पहन के जाएंगी तो सब इनका मजाक उड़ाएंगे, बहन जी लगेंगी ये दोनों। एक मिनट मिकी। सुखदेव, तू ये मानता है ना कि गुड्डी जो भी कपड़े पहने उसमें वो कंफर्टेबल फील करे? और कपड़े हद से ज्यादा भड़कीले ना हो। हाँ तो ठीक है, तो हम गुड्डी से पूछ लेते हैं।
गुड्डी पुत्र एक बात बता, जीन्स और टॉप पहनकर तुझे कैसा लग रहा है? देख सच सच बोलना, सुखदेव से घबराना नहीं पुत्र, इस बार मैंने इसकी एक नहीं सुननी है। हाँ। अरे इसे क्या पता लड़कियों के क्या क्या शौक होते, तू बोल पुत्र बोल। भरजाई जी। एक मिनट सुखदेव, रिश्ते में मैं तेरे से बड़ी हूं ना, तो मैं गुड्डी से पहले बात करूंगी। दलजीत तो एकदम निकम्मी है। ना भरजाई जी, आप ये देवर भाभी के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने क्या किया है? तूने कुछ कहा होता ना तो बात ही कुछ और होनी थी। तेरे लिए तो सुखदेव ने जो कुछ कह दिया वही रब का फरमान हो गया। ओए मिक्की, आज तो मेरी इंपोर्टेड चाची फुल फॉर्म में है। मेरी मम्मी तो हमेशा फॉर्म में ही रहती है, ये लंदन की कुड़ी है, कोई मजाक थोड़ी ना। चुप करो लंगूरो, चुप करो। गुड्डी बेटा तू मुझे ये बता, जीन्स और टॉप पहनकर तुझे ठीक लग रहा है कि नहीं? पता नहीं ताई जी। ओ सुखदेव, तूने यहाँ खड़े रहना है ना तो गुड्डी ने अपने मन की बात नहीं बोलनी है, तू जा यहाँ से। भरजाई जी, सारी बातें बच्चे की नहीं मानी जाती हैं, कुछ उसकी मानी जाती हैं, कुछ अपने मन की मनवाई जाती हैं। पर तू मानता कहाँ है उसकी बात? वो बिचारी तो डरी डरी रहती है कहीं उसका पापा नाराज ना हो जाए। बाऊ जी मुझे एक बात बताइए, गुड्डी जो कपड़े घर में पहनती है क्या वो खराब है? गुड्डी की माँ जो कपड़े पहनती है क्या वो ठीक नहीं है? क्या इस घर की दूसरी औरतें जो कपड़े आज तक पहनती आई हैं क्या वो आउटडेटेड है? बाऊ जी, हम कपड़े अपने आराम के लिए पहनते हैं, ना कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए। अरे सुखदेव, हमारे यहाँ तो कहावत है कि खाओ मन पंडा और पाओ जग पंडा। मतलब कि वो खाओ जो आपके मन को पसंद हो और पहनो जो दूसरों को पसंद हो। वाह ताई जी वाह, इसे कहते हैं 100 बातों की एक बात। सुखदेव तू फिकर मत कर, दलजीत तू भी इसके साथ कमरे में जाकर ना अपने घर वाले के साथ खट्टी मीठी बातें कर। जाना सुखदेव, ओए हमारे लंदन में बड़ी परजाई अगर कुछ कह देना तो मजाल है कि देवर उसको ना कहते। हाँ गुड्डी बेटा, मैं ये फैसला तेरे पे छोड़ता हूं। तेरे को अगर वेस्टर्न कपड़े पहनना ठीक लगता है तो तू पहन ले। लेकिन किसी के भी दबाव में आके तेरे को ये फैसला नहीं करना है। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो